राधे राधे, कैसे हैं आप लोग सब। तो देखिए सुबह सुबह जो है देव और हम नहा चुके हैं। हम नहाने के बाद हम लोग निकल रहे हैं, भूख लगा था, उठे थे गाइस 4 बजे। उसके बाद मंगला आरती करने के बाद हम लोग नहा धो लिए थे, फिर मंगला आरती करने चले गए थे। उसके बाद जो है बाहर निकले, रेडी होके खा रहे थे यहाँ पर चौप मूढ़ी और घुघनी, बहुत ही अच्छा था गाइस, मस्त। उसके बाद हमको थोड़ा सा चाय पीने का मन था तो थोड़ा चाय पी लिए। उसके बाद जो है चलते हैं हम लोग मंदिर की तरफ, क्योंकि मंदिर में जाके कन्हैया के वहाँ पर बैठे हुए रहेंगे, क्योंकि आए हुए हैं घूमने तो वहीं पर बैठे रहना अच्छा लग रहा है। तो चलिए देखिए, हम लोग जो है मंदिर के अंदर घुस चुके हैं। मंदिर का अंदर आने के बाद 2-4 रील्स भी बना लिए, अलाउ नहीं था फिर भी थोड़ा बहुत बना लिए। और ये देखिए हो गया आपका गार्डन, बहुत ही सुंदर है गार्डन। और उसके बाद जिधर भी आप घूमिए उधर भी आपको मंदिर दिखेगा बस। उसके बाद जो है देव का पापा उठ गया, हम और देव गए हुए थे। उसके बाद हम लोग अभी निकल रहे हैं आपका नवद्वीप के लिए, वहाँ पर भी बहुत कुछ है देखने के लिए, तो इसलिए हम लोग नाव में बैठ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे नवद्वीप। और देव ये देखिए खा रहा है आपका पेप्सी, ये पेप्सी का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद ये देखिए नाव पार हो रहा है, पानी भी बहुत गाइस, बारिश भी हो रहा था बीच में रुक रुक के। उसके बाद जो है देखिए हम लोग किस पार पहुंच चुके थे, और ऑटो वाला भैया हम लोग को जहाँ जहाँ लेके गया हम लोग सब कुछ देख लिए। मंदिर ही मंदिर है हर जगह पे, और ये सब आपका बना हुआ था तो ये सब आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये देखिए ये हो गया आपका राधा कृष्ण मतलब कन्हैया, ये हो गया आपका श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ये देखिए ये सब है। उसके बाद जो है यहाँ से हम लोग जाएंगे जहाँ पर आपका 60 फीट का श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु का ये बना हुआ है, वहाँ पर जाएंगे। हो गया आपका गुफा, गुफा से निकलते हुए आपको जाना पड़ेगा उधर दर्शन करने के लिए।